रहमान रहीम, एक और स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज भेजा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वन एंड टू ऑफ अ सर्किट इज डैश। अगर इसी तरह सर्किट वाला एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहले आप लोगों ने साइड को सॉल्व करना है, जो साइड में सीरीज में चीजें गिवन हो, जो इजी इजी हो, सबसे पहले आप लोगों ने वो सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये तीन जो हमारे पास है ये तीनों सीरीज में है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे वन वन एंड टू, तो हमारे पास आ जाएगी वन प्लस टू इज इक्वल टू फोर ओम। तो ये हमारे पास ओवरऑल फोर ओम है। सो रेजिस्टेंस हमारे पास फाइनल ये बनेगा वन फोर टू, ये हमारे पास वन है, ये फोर है, ये टू है, और जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया वो हमारे पास वो भी फोर आ रहा है। अब अगर हम देख ले तो यहाँ पर हमारे पास जो है टू फोर ओम रेजिस्टेंस ये बन जाते हैं जो हमारे पास पैरेलल में है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे फोर फोर दर सिक्सटीन डिवाइड बाय एट, तो हमारे पास आ जाएगा टू, यानी दो फोर अगर हम पैरेलल में कनेक्ट है हमारे पास और वन ओवर आर ही ओवर वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू से हम सॉल्व कर ले तो इससे हमारे पास आ जाएंगी टू ओम। लेकिन मैंने शॉर्टकट से सॉल्व कर लिया, जब हमारे पास टू रजिस्टर पैरेलल में आ जाए तो याद रखिए आप लोगों ने इन दो को मल्टीप्लाई करना है, यानी फोर फोर हजार सिक्सटीन और फिर इन दोनों को ऐड करना है फोर प्लस फोर एट, तो और इससे डिवाइड करना है, सो ये हमारे पास आंसर आएगा। सही है, तो मैं डायरेक्टली टू लिख लेता हूँ। फिर आप लोग देख ले हमारे पास कॉम्बिनेशन ये बनता है वन, एक ये वन है, एक टू है और एक टू वाला ये एड हो गया, वन प्लस टू प्लस टू हमारे पास फाइव। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, फाइव। तो दिस वॉज क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कल हम लोगों ने सॉल्व किया था लेकिन इसमें वॉइस का मसला था, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देख ले कि एक्सीलरेशन ऑफ अ प्रीपॉल हार्मोन इज, या इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको दोबारा सॉल्व कर देते हैं, एक्सप्लेन करने में कोई मजा नहीं आएगा। इंसर्ट पिक्चर, यहाँ से मैं जो है, अगर आप लोग का भी कोई एमसीक्यूज है तो आप लोग काइंडली व्हाट्सएप कर ले, हम सॉल्व कर लेंगे। सही है, अब यहाँ पर देख ले, अब एक्सीलरेशन ऑफ प्री पॉल आर मून इज वन सिक्स ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ, यानी जी ऑफ मून जो है वो बराबर है जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय सिक्स, सो जी ऑफ अर्थ बराबर है सिक्स टाइम्स ऑफ जी ऑफ मून। ऑन अर्थ इट टेक्स टाइम टी पर स्टोन टू पॉल फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ टू मीटर, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर अ बॉल फ्रॉम टू मीटर ऑन मून। यहाँ पर मून मिसिंग है लेकिन मून का मांगा गया है, तो हमें पता है इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और ये वी आई जीरो होगी तो एस हमारे पास बन जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर या जी टी स्क्वेयर, सो टी स्क्वेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। तो अगर हम रेशो की बात कर ले तो टी पार मून स्क्वेयर डिवाइड बाय टी पार जी अर्थ स्क्वेयर, ये हमारे पास बराबर होगी जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई जी ऑफ मून। अगर यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख लूँ तो जी ऑफ मून बराबर है सिक्स टाइम्स ऑफ जी ऑफ मून डिवाइड बाई जी ऑफ मून, तो मेरे पास आ जाएगी टी एम स्क्वेयर डिवाइड बाई टी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्स, यानी टी ऑफ मून हमारे टी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्स टी ई स्क्वेयर। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट सिक्स टी ई। तो दिस वॉज द आंसर, थैंक यू।